दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन वेदों में लाइट की स्पीड को भी कैलकुलेट किया गया है। जिन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नाकाम साबित हो रहे हैं, उनकी डिटेल हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। भगवत पुराण में लिखी एक ऐसी स्टोरी जो टाइम ट्रेवल की ओर इशारा करती है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आई एम रोस्ट रिविजन दोस्तों, लाइट की स्पीड इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज होती है, और वैज्ञानिक कई सौ सालों से इसको कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट के पहले कैलकुलेशन का क्रेडिट डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर को दिया जाता है। इन्होंने साल 1676 में जुपिटर के मून आयो के ऑर्बिटर मोशन को स्टडी करके बर्ड को लाइट की स्पीड के बारे में बताया था। पर क्या आप ये बिलीव करोगे कि भारत के प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में हजारों साल पहले ही जान चुके थे। दुनिया के सबसे प्राचीन किताबों में से एक ऋग्वेद में हमें इसके उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के बुक 1 चैप्टर 50 के फोर्थ आयाम कुछ इस प्रकार है। योजनम द्वे द्वे शते द्वे चा योजने अकेन निमिषार देना कर्मणा नमोस्तुते। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ मीन वर्ड का मतलब बताता हूँ। द्वे वर्ड का मतलब होता है दो, और सते वर्ड का मतलब होता है 100। इस तरह द्वे द्वे शते द्वे चा योजने का मतलब हुआ 2202 योजन। निमसार देना का मतलब होता है आदि निमिषा। निमिषा वो समय होता है जो हम ह्यूमंस को एक बार पलब झपकाने में लगता है, और वो है 0.2112 सेकंड्स। तो आदि निमिषा हुई 0.1056 सेकंड्स। 4th century BC में चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में बताई गई वैल्यू से कैलकुलेट करें तो एक योजन करीब 9 माइल्स के बराबर होता है। इस तरह हमारी टोटल डिस्टेंस 2202 × 9 = 19818 होती है, और टोटल टाइम 0.1056 सेकंड्स। यानी कि 0.1056 सेकंड्स में लाइट ट्रेवल करती है 19818 माइल्स। अब इस वैल्यू को एक सेकंड के लिए कैलकुलेट करें तो लाइट की स्पीड एक सेकंड में ट्रेवल करती है 187,670.45 माइल्स पर सेकंड। अब भाई बात करें मॉडर्न साइंस द्वारा कैलकुलेट वैल्यू की, तो ये है 186,000 माइल पर सेकंड। यानी कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यू काफ़ी हद तक आज के डेटा से मैच होती है। 14वीं शताब्दी के इंडियन स्कॉलर सायनाचार्य ने भी ऋग्वेद पर लिखी अपनी कमेंट्री में लाइट की स्पीड के बारे में बात की है। सायनाचार्य ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि सूर्यदेव अपने 7 रथों पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 रथों का मतलब सनलाइट में मौजूद 7 कलर से है। शायद आप इसे अपने स्कूल में बिबग्योर के नाम से पढ़ चुके होंगे, जहाँ पर अलग अलग कलर उसके क्रम में लिखे होते हैं। अब जरा सोच के देखो कि आज हम इंसान जिन एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू को मॉडर्न यंत्रों से कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, उन्हें आज से हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा। अब हाँ यार, ऋग्वेद में दी गई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मॉडर्न वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट जरूर है, लेकिन यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आज भी वैज्ञानिकों के गुणा भाग को एक्यूरेट नहीं माना जाता। इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, और कई साइंटिस्ट थ्योरी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती। और इधर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यू आज के मेजरमेंट डेटा की तरह नहीं है। दरअसल प्राचीन किताबों में भी योजन की वैल्यू 8 माइल से 9.5 माइल तक फ्लक्चुएट होती है। दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं, और ऐसा एक रहस्य है टाइम ट्रेवल का। अगर मॉडर्न साइंस की माने तो टाइम ट्रेवल जैसा कुछ भी फिलहाल में पॉसिबल नहीं है। पास्ट में हजारों वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाने का दावा कर चुके हैं, पर इनमें से इसको कोई भी प्रूव नहीं कर पाया है। टाइम डायलेशन के अनुसार यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर टाइम भी अलग अलग चलता है। अब जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी तो इसे सुनने के बाद दुनिया हैरान रह गई थी। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन के बारे में बताया गया है, और इसका एग्जाम्पल है राजा ककुद्मी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। राजा ककुद्मी सूर्य वंश से आते थे, और उनका जिक्र हमें भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहते हैं कि राजा ककुद्मी की बेटी रेवती बहुत सुंदर थी, और वो उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके अनुसार धरती पर रेवती के लिए कोई भी योग्य वर नहीं था। इस परेशानी को लेकर वो टाइम ट्रेवल करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों की संगीत समारोह सुन रहे थे। ककुद्मी और रेवती कुछ समय के लिए वहां पर वेट करते हैं, और जैसे ही संगीत समारोह खत्म होती है तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ककुद्मी ब्रह्मा जी के हाथों में उन लड़कों की लिस्ट पकड़ाते हैं जो उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य लग रहे थे, और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। अब ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं, और ककुद्मी से कहते हैं कि जिस समय वो संगीत कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे
उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे। 27 चतुर्युग हम इंसानों के 11,66,40,000 सालों के बराबर होते हैं। अब यह सुनने के बाद ककुदमी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि धरती लोक और ब्रह्म लोक दोनों का समय अलग अलग गति से चलता है। जिन लड़कों की लिस्ट उन्होंने दी है वो सदियों पहले ही खत्म हो चुके होंगे। राजा ककुदमी की लाखों पीढ़ियां बीत चुकी हूँ, उनका राज डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, उनकी सेना और रिलेटिव्स सब खत्म हो चुके होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं फिलहाल भगवान विष्णु ने कृष्ण और बलराम के रूप में धरती पर जन्म लिया है और बलराम रेवती के लिए योग्य भर है। अब जब राजा ककुदमी पृथ्वी लोक पर वापस लौटते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। लोगों की एवरेज हाइट कम हो चुकी थी, धर्म और संस्कृति के प्रति उनकी सोच बदल चुकी थी और उनकी लाइफ स्टाइल पहले से नीचे लेवल पर जा चुकी थी। इस एग्जाम्पल से हमें टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन दोनों का ही जिक्र मिलता है। अब ये स्टोरी सच है या नहीं, आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन ये आज से हजारों साल पहले लिखे टेक्स्ट में बताई गई है, जबकि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने 20th सेंचुरी में दिया था। हमारे प्राचीन लेखों में ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों कहानियां मौजूद हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।